गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम प्रशांत एंड यू आर वॉचिंग रोड मोटो। सो आज हमारी राइड है पुष्कर के लिए। हम लोग पुष्कर जाने वाले हैं, तो उससे पहले सुबह का बहुत एक छोटा सा अच्छा सा व्यू है पूरे अजमेर का। बहुत ही बढ़िया व्यू लग रहा है, और हालांकि दूर से देखो तो ये लेक भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मेरे पीछे अगर आप लेक देख पा रहे होंगे, तो ये लेक भी जो है ये काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन दूर से देखने में गंदगी बहुत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में गंदगी करने वाले भी बहुत हैं और साफ ना करने वाले भी बहुत हैं। तो ये व्यू है, कई जगह तो काफ़ी अच्छी मेंटेन है, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। तो इफ यू कैन सी, तो सामने एक पार्क दिख रहा है, काफ़ी अच्छा सा मेंटेन सा पार्क है, और ये सारा व्यू है। ये पार्ट जो है ये हमारे होटल का ही पार्ट है। जैसे मैंने बताया कि ये पूरा महल था, और महल को चेंज करके इसको होटल बनाया गया है। बड़ी ये लेक है, एंड इट इज सपोज टू बी एन आर्टिफिशियल लेक, और इट इज एन आर्टिफिशियल लेक। और जो अजमेर है ये पूरा चारों तरफ, इसके चारों तरफ ही बसा हुआ है। छोटी छोटी पहाड़ियां भी है, वहां पे एक मंदिर सा कुछ है। ये जो है, ये जो पार्क मैं बोल रहा था, ये पार्क शुरू होगी थोड़ी देर में। अभी बाकी लोग सब सो रहे हैं, मैं उनको जाके जगाता हूँ, उनको रेडी करता हूँ। उससे पहले कोशिश करूँगा कि अजमेर का जो एक टूर है, सो वो पूरा जो ये पूरी लेक है, लेक के चारों तरफ लोग घूमती है, तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे चक्कर पूरा चक्कर लगाओ। ये करीब एक 5 किलोमीटर के आसपास का, ये 5-7 किलोमीटर का एक चक्कर है। मैं इसका एक 360 व्यू बनाना चाहता हूँ। सो यू कीप वॉचिंग, द डे हैज जस्ट बिगन। सो सी यू ऑन द रोड। जय हिंद। होटल से निकलकर हम लोग पूरा एक राउंड लेते हुए पुष्कर की तरफ बढ़े। अजमेर में कुछ खुला नहीं था क्योंकि हम सुबह निकल चुके थे, और बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। और बहुत छोटी सी राइड थी ये, क्योंकि 2 दिन की राइड थी, तो इसलिए हमने सोचा कि पुष्कर चलते हैं। अजमेर दरगाह की जगह पुष्कर जाना ज़्यादा सही रहेगा, और वहाँ पे मेला जो कार्तिक मास मेला था वो कवर करना था। कार्तिक मास जो मेला था उसको मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था राजस्थान की राइड करने का। जैसलमेर, जोधपुर वगैरह भी जाना था, बट टाइम की कमी की वजह से मैं सिर्फ पुष्कर का ही प्लान बनाकर आया था, और पुष्कर के लिए हम निकल पड़े थे। तो हम पहुंच चुके हैं पुष्कर, और पुष्कर में थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग हो गया है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और जो ब्रह्म मंदिर है वो पीछे है,
और वहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है बिकॉज स्नान वगैरह होता है, तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आई कांट रियली शूट फोटोज़ देयर। सो मैं जा भी नहीं रहा हूँ इनफैक्ट, बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा है और इफ़ यू कैन सी पीछे तो बहुत भीड़ है। तो पुष्कर में हम लोग एक कैफ़े में रुके टू हैव सम ब्रेकफास्ट एंड ऑल, और उसके बाद देखेंगे, क्योंकि मेले में भी यहाँ पर इस बार कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, और क्योंकि टूरिस्ट नहीं है इस वजह से यहाँ पे लोकल पार्टिसिपेंट्स या पार्टिसिपेशन भी नहीं है। ये यहाँ एक अपेरेंटली बड़ा फेमस ये है डॉक्टर अलोन कैफ़े, जहाँ पे हम आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। कई बार आप कुछ सोच कर निकलते हैं और वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है, तो इस राइड पे भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बहुत उम्मीद लगा कर आया था कि पुष्कर का मेला काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि जाना है, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा, कुछ भी वहाँ पे देख नहीं पाए, कुछ भी वहाँ पे कर नहीं पाए। लेकिन लौटते वक्त बाकी सारे लोग जो मेरे साथ गए थे वो रुक गए थे, और मैं काफ़ी नॉन स्टॉप चल के दिल्ली पहुँचा हूँ, और 12:30 बजे करीब हम वहाँ से निकले थे और 6 बजे तक मैं दिल्ली हिट कर चुका था। तो काफ़ी अच्छी राइड रही वो भी, लेकिन उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली चलता ही रहा था और रास्ता कोई बहुत ऐसा नहीं था, हाईवे था। तो ये राइड काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही, बट अगली राइड जो मैं राजस्थान की बनाना चाहता हूँ वो जैसलमेर को लेकर, जोधपुर को लेकर मैं बताना चाहता हूँ, और मैं थोड़ा सा टाइम लेके जाऊँगा ताकि मैं उन सब चीज़ों को कवर कर सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। कीप वॉचिंग, सी यू ऑन द रोड। जय हिंद।